हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम प्रदीप लटवाड़ा है। ग्रीन टेक सॉल्यूशन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपको कंटेनर के बारे में डिटेल से बताया था, 7.5 फीट से लेके 32 फीट कंटेनर तक। इस वीडियो में हम आपको यूनिट के बारे में डिटेल से बताने जा रहे हैं कि किस गाड़ी में कौन सा यूनिट लगना चाहिए और कितने डिग्री टेम्परेचर के लिए लगना चाहिए। तो दोस्तों, आज की शुरुआत हम सबसे छोटे सेगमेंट से करते हैं। सबसे छोटा सेगमेंट आता है हमारा 7.5 फीट का सेगमेंट, जिसमें हमने आपको बताया था छोटी गाड़ियां कैरी आती है, जीतो आती है महिंद्रा की। तो दोस्तों, अगर इस गाड़ी में हमें 0 डिग्री टेम्परेचर की बात करें तो 0 डिग्री टेम्परेचर में हम दूध ले जा सकते हैं, फ्रूट्स ले जा सकते हैं, वेजिटेबल्स ले जा सकते हैं, एग्स हो गया, तरह तरह की मेडिसिन होती हैं। तो दोस्तों, इसमें जो कैरियर की और थर्मोकिंग की अगर हम बात करें, कैरियर और थर्मोकिंग वाले सिर्फ पे जो कैरी गाड़ी आती है मारुति की, CARY कैरी मारुति की गाड़ी आती है ये। इसमें जो सबसे मॉडल छोटा मॉडल आता है कैरियर का, वो आता है सिटी फ्रेश 280। और अगर हम थर्मोकिंग की बात करें दोस्तों, तो थर्मोकिंग में सबसे छोटा मॉडल आता है C150E। ये दोनों मॉडल कामयाब हैं इस सेगमेंट में। और इसमें हमारा एक GTS का भी मॉडल है, ग्रीन टेक सॉल्यूशन का यूनिट है 1005। तो दोस्तों, ये भी 0 डिग्री तक काम करेगा, ये भी 0 डिग्री तक। और अगर हम इसकी बात करें, ये -5 तक जाएगा। सबसे छोटे सेगमेंट की मैंने आपको बता दी। अब आते हैं हम दूसरे सेगमेंट में, 8.5 फीट पे। 8.5 फीट सेगमेंट में अगर हम दोस्तों बात करें, तो जो कैरियर का यूनिट आता है, CT Max 280। ये यूनिट दोस्तों -5 डिग्री तक चला जाता है। और अगर वहीं पे हमें बात करें 8.5 फीट सेगमेंट में थर्मोकिंग की, तो थर्मोकिंग का यूनिट आता है दोस्तों इसमें C250E। C250E ये यूनिट हम इसमें ले सकते हैं। और अगर हम ग्रीन टेक सॉल्यूशन वाले यूनिट की बात करें, तो उसमें 1005, ये 0 डिग्री तक के यूनिट है। इसे अगले सेगमेंट में दोस्तों हम बात करते हैं। इससे जो अगला नेक्स्ट सेगमेंट है, 9.5 फीट सेगमेंट की बात कर रहे थे। 9.5 फीट सेगमेंट में अगर हम कैरियर की बात करें, तो कैरियर में Vento 350 भी लगा सकते हैं हम, और ये CT Max 280 भी लगा सकते हैं। ये दोनों 0 डिग्री टेम्परेचर के लिए हैं। अगर थर्मोकिंग की बात करें, तो थर्मोकिंग में C250E ये मॉडल आता है, 0 डिग्री तक कामयाब है। और अगर हम ग्रीन टेक सॉल्यूशन की बात करें, तो वही हम 1005 मॉडल जो मैंने आपको पहले बताया था, ये मॉडल इसमें लगा सकते हैं। इससे नेक्स्ट सेगमेंट पे आ जाते हैं। इससे नेक्स्ट सेगमेंट जो दोस्तों 10.5 फीट है, 10.5 फीट में सेम यही वाले यूनिट काम करेंगे। 9.5 फीट से लेके 10.5 फीट तक सारे के सारे यूनिट सेम रहेंगे, कैरियर में भी, थर्मोकिंग में भी और ग्रीन टेक सॉल्यूशन में भी। अब दोस्तों, हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट सेगमेंट की। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा 14 फीट, 17 फीट, 19 फीट और 20 फीट। तो दोस्तों, अगर 14 फीट सेगमेंट की बात करें, 14 फीट सेगमेंट में कैरियर का यूनिट आता है सिटी फ्रेश 500 और थर्मोकिंग का C350E। और अगर हम ग्रीन टेक सॉल्यूशन की बात करें, तो ये आता है आपका 1010, ये मॉडल है GTS 1010। तो दोस्तों, ये तीनों यूनिट 0 डिग्री टेम्परेचर के लिए हैं। इससे अगले सेगमेंट में चलते हैं हम। अगर अगले सेगमेंट की बात करें, अगला सेगमेंट हमारा 17 फिट है। 17 फिट सेगमेंट में कैरियर का यही सेम यूनिट काम करेगा, सिटी फ्रेश 500। अगर थर्मोकिंग की हम बात करें, तो थर्मोकिंग में C450E। और अगर हम ग्रीन टेक सॉल्यूशन की बात करें, 1015 ये वाला यूनिट। तो दोस्तों, ये जो 17 फिट से लेके 17 फिट, 18 फिट, 19 फिट या 20 फिट, इन 17 फिट से लेके 20 फिट सेगमेंट तक कैरियर में भी, थर्मोकिंग में भी, ग्रीन टेक सॉल्यूशन में भी, यही वाले यूनिट का मतलब 0 डिग्री के लिए स्पीसियंट है। कैरियर का यूनिट आता है सिटी फ्रेश 500, थर्मोकिंग आता है C450E और ग्रीन टेक सॉल्यूशन का यूनिट आता है 1015। इसे अगले सेगमेंट में चलते हैं दोस्तों। अगर हम 24 फिट सेगमेंट की बात करें या 32 फिट सेगमेंट की बात करें, 24 फिट सेगमेंट और 32 फिट सेगमेंट के लिए कैरियर में जो यूनिट आता है, वो आता है आपका सेल्फ ड्राइव यूनिट है दोनों ही, ग्रीन टेक सॉल्यूशन का इसमें कोई यूनिट नहीं है जो मतलब 24 फिट सेगमेंट में और 32 फिट सेगमेंट में 0 डिग्री टेम्परेचर बना दे। कैरियर और थर्मोकिंग के यूनिट आते हैं। अगर हम कैरियर में मॉडल की बात करें, कैरियर का मॉडल आता है सुपरा 850, सुपरा 1050, ये दोनों मॉडल 24 फिट में बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट हैं। और वहीं अगर हम थर्मोकिंग की बात करें, तो थर्मोकिंग में आता है मॉडल T880E, ये मॉडल आता है। तो दोस्तों, इससे अगर अगले सेगमेंट की बात करें, 32 फिट सेगमेंट की, तो 32 फिट सेगमेंट में जो आता है कैरियर में आता है सुपरा 1150 और
और थर्मोकिंग में हम T800 भी लगा सकते हैं और T1080 भी लगा सकते हैं, ये -20 तक भी चले जाते हैं यूनिट। तो दोस्तों इसके अलावा अब हमने जो आपको डिटेल से बताए वो सारे 0 डिग्री टेम्परेचर के यूनिट थे। अब मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा जो -20 डिग्री के लिए है, -20 डिग्री के लिए जो जो यूनिट यूज होते हैं उनके बारे में डिटेल से बताने जा रहे हैं। एक सबसे छोटी गाड़ी आती है और बहुत ज्यादा बनती है, वो गाड़ी आती है मारुति की इको। मारुति की अगर इको गाड़ी में अगर बात करें तो सबसे छोटा यूनिट आता है कैरियर का वेंटो 200 -20 डिग्री टेम्परेचर के लिए, बहुत ही परफेक्ट यूनिट है दोस्तों, आंख बंद करके आप उसको यूज कर सकते हो। और आइसक्रीम की अगर हम उसमें बात करें 17 से 18 क्रेट आराम से उसमें गाड़ी के अंदर आ जाती हैं। उसके अलावा उससे अगला सेगमेंट जो आता है वो आता है मारुति कैरी, उसमें कैरी में अगर बात करें हम दोस्तों थर्मोकिंग और कैरियर वाले दोनों ही मना करते हैं, उसमें आप ग्रीन टेक सॉल्यूशन का FZ1005, FZ का मतलब है फ्रोजन, 1005 यूनिट लगा सकते हो। और दोस्तों अगर हम इसे नेक्स्ट सेगमेंट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट सेगमेंट आता है 8.5 फीट कंटेनर, 8.5 फीट कंटेनर में थर्मोकिंग का यूनिट आता है RV380 और कैरियर का आता है CT MAX 400। और अगर ग्रीन टेक सॉल्यूशन की बात करें तो ये आता है 1010 FZ1010। तो दोस्तों ये तीनों यूनिट मतलब -20 डिग्री के लिए हैं, इसमें हम आइसक्रीम ले जा सकते हैं, फ्रोजन आइटम्स लाइक स्वीट कॉर्न हो गया, सोया चाप हो गया, मटर हो गया या किसी भी प्रकार की और मेडिसिन्स हो गया, ये सारी चीजें हम -20 डिग्री टेम्परेचर के लिए इसमें लेके जा सकते हैं। अब 9.5 फिट सेगमेंट की बात करें, 9.5 फिट सेगमेंट में थर्मोकिंग का यूनिट आता है RV 580 और कैरियर की बात करें तो इसमें आता है CT MAX 500। दोस्तों जो ये यूनिट मैं आपको बता रहा हूँ ये व्हीकल ड्राइव यूनिट है, ये गाड़ी के साथ में इनका कंप्रेसर अटैच होता है ब्रैकेट लग के, और ये गाड़ी के इंजन से ही चलने वाले यूनिट है। जो सेल्फ ड्राइव यूनिट आएंगे उनके बारे में हम आपको अलग से बता देंगे। अगर हम ग्रीन टेक सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें FZ1010 यूनिट हम लगा सकते हैं। इसे अगले नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट सेगमेंट 10.5 फिट कंटेनर है, 10.5 फिट कंटेनर में भी सेम जो मैंने यूनिट अभी आपको बताए हैं, थर्मोकिंग का RV 580, कैरियर का CT MAX 500 और ग्रीन टेक सॉल्यूशन का FZ1010 यूनिट हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जो मैं आपको बता रहा था सेल्फ ड्राइव या डीजल ड्राइव यूनिट, जो मतलब है गाड़ी के इंजन से उसका यूनिट का कोई लेना देना नहीं होता है, वो 14 फिट से स्टार्ट होते हैं और 32 फिट तक आ जाते हैं, उनका अपना अलग से इंजन होता है। अगर गाड़ी आपकी बंद है, ड्राइवर खाना खाने गया है, तब भी वो यूनिट को AC को रेफ्रिजरेटेड यूनिट को चलता छोड़ के जा सकता है, उसको हम डीजल ड्राइव यूनिट बोलते हैं। वो दोस्तों 14 फिट से शुरुआत होती है इसकी, 14 फिट में अगर हमें कैरियर में बात करें, कैरियर का आता है Supra 550 और अगर हम थर्मोकिंग में बात करें, थर्मोकिंग का T600 आता है इसमें। इसमें दोस्तों डीजल ड्राइव यूनिट में अभी ग्रीन टेक सॉल्यूशन का कोई यूनिट है नहीं, तो हम आपको थर्मोकिंग और कैरियर ही सजेस्ट करेंगे, दोनों में से आप कोई भी यूनिट ले सकते हो। इससे नेक्स्ट सेगमेंट की अगर हम बात करें 17 फिट सेगमेंट की, तो 17 फिट सेगमेंट में अगर हम कैरियर की बात करें तो कैरियर का जो यूनिट आता है, कैरियर का यूनिट आता है इसमें OSIS 250 और थर्मोकिंग की बात करें तो थर्मोकिंग में यही यूनिट रहेगा T600। ये थर्मोकिंग का जो यूनिट है ये 14 फिट से लेके 20 फिट सेगमेंट तक, आप 17 फिट में भी, 19 फिट में भी, 20 फिट में भी, तीनों कंटेनर में यही वाले यूनिट चलते हैं, कैरियर का OSIS 250 और थर्मोकिंग का T600। इसे अलग भी एक सेगमेंट बनता है दोस्तों 20 फिट और 24 फिट के बीच में 22 फिट कंटेनर बनता है। 22 फिट कंटेनर में अगर हम बात करें थर्मोकिंग में, थर्मोकिंग में T880 लगा सकते हैं हम, और अगर हम कैरियर की बात करें तो कैरियर का हमें Supra 850 यूनिट लगा सकते हैं। ये दोस्तों दोनों बहुत ही बढ़िया यूनिट है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं आती है। इसे अगले सेगमेंट पे चलते हैं हम, इससे जो नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा वो 24 फिट कंटेनर का है। 24 फिट कंटेनर में हम तो अगर थर्मोकिंग की बात करें, थर्मोकिंग में सेम यूनिट रहेगा T880 -25 डिग्री टेम्परेचर के लिए, -20 से 25 डिग्री के बीच में आप कहीं भी यूनिट को सेट कर सकते हो। और अगर हम कैरियर की बात करें तो कैरियर में इसमें दोस्तों हम Supra 1050 भी लगा सकते हैं और Supra 1150 भी लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब लास्ट सेगमेंट आता है हमारा 32 फिट सेगमेंट। 32 फिट सेगमेंट में दोस्तों जो यूनिट होता है यूज होता है थर्मोकिंग का आता है T1080E और अगर हम कैरियर की बात करें तो कैरियर में इसमें आता है दोस्तों Supra 1250। ये सारे यूनिट की डिटेल्स मैंने आपको बता दी है। इसके अलावा किसी भी दोस्त की किसी भी प्रकार की कोई भी इंक्वायरी हो
हमने स्क्रीन पे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल करके किसी भी टाइम हमारे से कोई भी चीज पूछ सकते हो। और ज्यादा डिटेल से रेफ्रिजरेटेड कंटेनर के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।